नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे किचन में। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से एकदम नए तरीके का स्नैक, जो आपने अभी तक इस तरीके से तो बिल्कुल भी बनाया नहीं होगा। एकदम नया तरीका और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए, एकदम आसान तरीके से आप बना पाएंगे। एकदम क्रिस्पी और खस्ता स्नैक्स बना है यह, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग इसे इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिए। और कुछ नया बनाना है तो आप लोग इस तरह से इसे ज़रूर से ट्राई करके खाइए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, और अभी हम डाल देंगे इसमें 1/2 कटोरी मैदा। और आप चाहे तो इसे आटे से भी या तो फिर मैदे से भी बना सकते हैं। अब हम मोयन के लिए डालेंगे इसमें 2 चम्मच तेल। आप चाहे तो घी या बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज़रूर ही डालना है, मोयन के लिए इसे डालना ज़रूरी है। अभी हम डाल देंगे इसमें नमक स्वादानुसार डाल देंगे, और डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और डालेंगे इसमें हाथों से थोड़ी सी क्रश की वाली कस्तूरी मेथी, इस तरह से हाथों से क्रश कर लेना है, और इससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से ही इसकी जो पपड़ी है वो अच्छे से खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम डालेंगे इसमें पानी, और पानी डाल के इसे जिस तरह से हम आटा तैयार करते हैं उसी तरह से इसे सॉफ्ट गूथ लेना है, या इस तरह से देखिए। अभी और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे तेल, लगा देंगे ताकि ये सूखे नहीं। और इसे अभी हम साइड से रख देते हैं। अभी हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें डाल देते हैं 4 से 5 बॉईल किए हुए आलू डाल दिए हैं। अभी हम डालेंगे इसमें थोड़े से प्याज को बारीक कट कर लिया था उसे डाल देंगे, 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई, और इसमें डाल देंगे 1 लाल मिर्च बारीक कटी हुई, और हरा धनिया बारीक कटा हुआ इसमें डाल देंगे। अभी हम डालेंगे इसमें थोड़े से मटर डाल देंगे, और डाल देंगे इसमें 2 चम्मच टोमेटो केचप डाल देना है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसमें इससे। अभी हम डालेंगे इसमें स्वादानुसार नमक, और डालेंगे चाट मसाला 1/2 चम्मच, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे फ्राई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस हम ऐसे ही बनाएंगे आज बिना फ्राई किए हुए, इससे ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें, इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देना है 1 चम्मच सांभर मसाला। यहाँ पर देखिए, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सांभर मसाला, और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम डाल देंगे इसमें 1/2 नींबू का रस, इससे काफ़ी अच्छा खट्टापन सा फ्लेवर आएगा इसमें। और इसे अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर ये देखिए हमारी स्टफिंग तैयार है। आप चाहे तो इसमें पनीर या तो फिर चीज़ भी डाल सकते हैं, आप अपने पसंद से बनाएं इसे। और यहाँ पर देखिए हमारा आटा तैयार है। आटे को और एक बार इस तरह से गूंथ लेंगे, और इसके गोल 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 गोले तैयार कर लेंगे, जिस तरह हम रोटियां बनाते हैं उस तरह से इसके गोल गोल गोले तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से तोड़कर बहुत ही अच्छा टेस्टी खस्ता क्रिस्पी नाश्ता बनता है यह। आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। अभी हम इसे बेल लेंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम वैसे ही इसे बनाना है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से प्रेस कर लेंगे हाथों से, और बेलन लेके इसको इस तरह से बेल लेना है। और इसे बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और पतला भी नहीं, जैसे हम रोटी बनाते हैं सेम वैसे ही। यहाँ पर देखिए, मैंने रोटी बेल ली है, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से इसे बेल लेना है। देखिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं बनी है, ज़्यादा पतली भी नहीं बनी है। अभी हम चक्कू लेंगे और इसे इस तरह से बीच से कट लगाएंगे। देखिए, इस तरह से बीच से कट लगा लेना है, और ये बिल्कुल आसानी से हो जाता है। आप इसे राउंड में छोड़कर ऐसे कट लगाएंगे, 3 से 4 कट लगा लेंगे, जितने कट लगे उतने लगाना है, और ये बिल्कुल आसानी से बन जाता है। एकदम यूनिक डिफरेंट तरीका है, आपने इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं बनाया होगा। एक तरफ से देखिए, इस तरह से एक तरफ से कट लगा लेना है। अभी हम
एक तरफ से उठाकर ऐसे सेट करेंगे। जो हमने स्टफिंग रखी थी उसको हम थोड़ा सेट कर देंगे, पहले साइड से दबाकर सेट कर देंगे। ये देखिए, पहले साइड से दबाकर सेट कर लेंगे ताकि ये निकले नहीं। यहाँ पर इस तरीके से हम रोल करते चले जाएंगे। इसको एक साइड से रोल करेंगे तो ये एक डिज़ाइन सा बन जाएगा जो हमने कट लगाए थे। देखिए इस तरह से कितने अच्छे से यह डिज़ाइन बनी है। और अभी हम इसे इस तरह दबाकर सेट करेंगे, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। और ये देखिए बिल्कुल आसानी से बन जाता है। इस तरीके से तो आपने नहीं बनाया होगा, इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट बन जाते हैं ये। कुछ नया ट्राई करना हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। और थोड़ा मैं आपको और करके दिखाती हूँ। आपको इस तरह कट लगा के स्टफिंग करके आप स्टफिंग अपनी पसंद की भी भर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका मैंने बताया है। आपने इस टाइप का कहीं देखा भी नहीं होगा। वीडियो में काफ़ी लेयर आ जाती है इस पर। ऐसे आप इसे बेक भी कर सकते हो ओवन में। देखिए कितनी अच्छी लेयर आई है, कितनी अच्छी डिज़ाइन भी दिख रही है। आप लोग इस तरह से खस्ता और क्रिस्पी नाश्ता ज़रूर से ट्राई कीजिए। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है यह। जिस तरह से हम समोसे पकोड़े कचौरी खाते हैं उसी तरह से टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनता है यह। इस तरह से अभी हम रोल कर लेंगे ताकि इससे जो स्टफिंग है कुछ भी बाहर ना आए। डिज़ाइनिंग भी बहुत ही सुंदर बनता है इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बनता है। इस तरह से आपने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा होगा। आप लोग इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिए। अभी हम इसे इस तरह दबा लेंगे। इसी तरह अभी हम सभी बनाकर रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारे सभी बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी हम तेल को गरम किया है, अभी हम इसमें डाल देंगे। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, फुल फ्लेम पे इसे पकाना नहीं है, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अभी हम डालेंगे इसके ऊपर तेल डालेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाएंगे। और इसे पलट पलट के पकाना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो। बीच बीच में इसे चलाते रहना है, साइड इसकी अच्छी क्रिस्पी हो जाए। आपने समोसे कचौड़ी तो खाई होगी, लेकिन इस तरह के से नई और डिफरेंट बनाएंगे ना तो बच्चे बड़े बहुत ही इससे खाएंगे इसे। देखिए कितने अच्छे से बना है यह और कितना अच्छा कलर आया है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। और देखिए डिज़ाइन भी कितने एक नंबर बनी है इसके ऊपर। अभी हम इसी तरह से और बना लेंगे। देखिए इसी तरह से तेल में और डाल देंगे। आपको भी अच्छा लगेगा, पार्टी वगैरह में भी आप इसे पहले से तैयार करके रख दें और बाद में तुरंत इसको फ्राई करके गर्मा गर्म आप इसे तुरंत बना सकते हैं। ये आसान सा तरीका है, ये बहुत अच्छे से बनते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती बनाने में, एकदम आसान है। यहाँ पर ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी और अच्छे से इसको कलर आ गया है। और यहाँ पर देखिए मैंने सभी निकाल लिए हैं। आपको ये देखने से पता चल रहा होगा ये कि कितने क्रिस्पी होते हैं और एकदम अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सभी को निकाल लिया है। अभी मैं थोड़ा तोड़कर दिखाई हूँ आपको कैसे बने हैं हमारे नए तरीके से स्ट्रिप कॉर्न समोसे तैयार है। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, काफ़ी क्रिस्पी और अच्छे से बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद बहुत आएंगे। आप इसे अपने पसंद की चटनी या किसी भी सॉस वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइए। बाय बाय दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ और एंजॉय कीजिए यह गर्मा गर्म क्रिस्पी खस्ता स्नैक्स को। देखिए कितने अच्छे से बना है यह।